मंगला आरती का हादसा आप सबको याद होगा, और नहीं याद होगा तो इतिहास के पन्नों में जाकर उसको खोज लीजिए। यह मथुरा पुलिस और प्रशासन की कितनी चाक चौबंद व्यवस्था है कि यह लोग पेड पार्किंग की व्यवस्था को भरने के लिए सारे जतन लगाते हैं। 4 किलोमीटर पैदल चलकर अगर यात्री और भक्त जाएंगे तो मंदिर पहुंचते पहुंचते तक वैसे ही वो बेदम हो चुके होंगे, और मंदिर के अंदर की घुटन भरी व्यवस्था, लाइनों में धक्के खाने की अपनी व्यवस्था, जेब कटवाने और गले से चेन गायब होने की पूरी चाक चौबंद सुविधा के साथ वो जब मंदिर के अंदर दम घुटने वाले हालात में जाएंगे तो इसका जिम्मेदार यही प्रशासन का अनाउंसमेंट होगा। क्योंकि अगर पैदल चलने के लिए यात्रियों को मजबूर करने की यह व्यवस्था कही जाती है तो लानत है ऐसी व्यवस्था पर, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को कुव्यवस्था कहते हैं। हाँ, इस तरीके के ई रिक्शा और वाहनों को अगर नियंत्रित करना है तो उनके समय सीमा को, उनके आने जाने के रोड के रास्ते को, उनके तरीके को थोड़ा बहुत सुधारा जाए, लेकिन यह तो ऐसी व्यवस्था है जिसका इलाज शायद ठाकुर जी के पास भी नहीं है, और अगर होता तो शायद इन लोगों को थोड़ा बहुत तो ज्ञान अब तक मिल चुका होता। देखिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया का यह खास अनाउंसमेंट वाला वीडियो और ई रिक्शा वाले व्यवस्था क्या है। सभी ई रिक्शा चालकों से आपसे अनुरोध है कि 22 और 23 तारीख को ये 2 दिन रिक्शा सभी बंद रहेंगे, चाहे नंबर वाला हो या बिना नंबर वाला, रूट नंबर वाला कोई भी रिक्शा नहीं चलेगा। कोई भी रिक्शा वृंदावन के अंदर नहीं चलेगा, रूट नंबर वाला या बिना रूट नंबर वाला। पकड़े जाने पर सीजिंग की कार्रवाई की जाएगी, डायरेक्ट सीज किया जाएगा, कोई चालान कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट सीज, और ना ही कोई किसी की सिफारिश चलेगी। कितना भी तगड़ी सिफारिश हो वो सीज ही किया जाएगा, यह ध्यान रखना। आप लोग सब अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिए कि 2 दिन रिक्शा बंद रखे, चाहे घर में खड़ा रखे या वृंदावन से बाहर चलाए, वृंदावन के अंदर कोई भी रिक्शा नहीं चलेगा। ठीक है भैया,